जे ही डिफेंस एस्पिरेंट्स एमएनएस 2022 के एग्जाम के बाद काफी सारे बच्चे हताश हो चुके हैं कि हमें अब 2023 की तैयारी नहीं करनी है और ये डिमोटिवेशन दिमाग के अंदर लेकर बैठ चुके हैं कि एमएनएस का पेपर अब खत्म हो चुका है और हम तो नीट एस्पिरेंट्स बन चुके हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप नीट एस्पिरेंट्स नहीं हैं, अभी भी आप लोग एमएनएस एस्पिरेंट्स हैं और आपका कंपटीशन उन्हीं बच्चों के साथ है जो कि एमएनएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो आपका जो कंपटीशन है वो नीट एस्पिरेंट्स के साथ हो जाएगा अगर आप एमएनएस को फोकस करना छोड़ देंगे और आप स्पेसिफिकली कहीं और चले जाएंगे, कुछ और किसी चीज़ की तैयारी करना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे नीट वाले जो बच्चे होंगे उनकी जो मोनोपोली है वो यहाँ पर हो जाएगी। इसका जो उदाहरण है वो है आपका 2022 का पेपर, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के ऊपर चिल्ला रहे थे कि भाई 600 650 और 700 नंबर वाले बच्चे आ रहे होंगे, 550 600 वाले बच्चे आ रहे होंगे। मैं उन बच्चों को एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि इस बार 360 370 380 नंबर वाले बच्चों का अभी जो सिलेक्शन है वो वहाँ पर हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ साफ करना चाहूँगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ना चाहिए और इस तरह से पढ़ना चाहिए कि उनकी जो सिलेक्शन है वो डेफिनेटली हो जाए। अब 2022 के अंदर आपके अगर कितने मार्क्स नीट के अंदर आए हैं तो आप अपनी जो तैयारी है आप उसको करिए, मैं इस वीडियो के अंदर आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अब 2022 के अंदर क्या हुआ, नीट का जो पेपर था वो एकदम से आपके सामने निकल कर आ गया और वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छी तैयारी करी और काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो सीट्स लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये हुआ कि बच्चों को ये लगा कि भाई नीट एस्पिरेंट्स हमारी सारी की सारी सीट्स ले जाएंगे और उसकी वजह से उन्होंने तैयारी बंद कर दी, जिससे दो चीज़ें हुई। पहली चीज़ ये हुई कि नेगेटिव मार्किंग के चलते उनको प्रैक्टिस नहीं थी नीट की, तो नेगेटिव मार्किंग के चलते बहुत सारे जो मार्क्स थे बच्चों को गंवाने पड़े। दूसरी चीज़ ये हुई कि बहुत सारे जो नीट एस्पिरेंट्स यहाँ पे आए थे वो इस बहुत ज़्यादा बड़े डायलेमा में थे कि यार हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो नीट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। लेकिन वहाँ पे ये चीज़ हुई कि बच्चे सीबीटी और मेडिकल के अंदर या इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, इसकी वजह से क्या हुआ जिन बच्चों के 550 नंबर आए थे, 530 525 540 नंबर आए थे, उन बच्चों की जो सिलेक्शंस हैं वो भी आपकी वहाँ पर नहीं हो पाई। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रिपरेशन करनी चाहिए फॉर योर ईयर 2023 और किन को जो है वो छोड़ देनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे पहली चीज़ ये बताने वाला हूँ कि जितनों भी बच्चों के नंबर जो हैं वो 250 से ऊपर आए हुए हैं उनको तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। अब मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके दो महीने में पढ़ के अगर आपके 250 नंबर आ सकते हैं तो डेफिनेटली जब आप एक बारी रिगरस प्रिपरेशन कर लोगे, 6 महीने की सिर्फ बात रही है, मई के महीने में आपका पेपर हो जाना है, तो आप एक बारी जब रिगरस प्रिपरेशन कर लोगे तो डेफिनेटली बायो के अंदर ही आप इससे ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो आप स्कोर कर लोगे। और अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पर भी आप इतने सफिशिएंट नंबर ऑफ मार्क्स लेकर आ जाओगे जहां पे आपकी जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी चीज़ जो है वो मुश्किल नहीं होती, और अगर कोई भी चीज़ मुश्किल होती है तो हमारे दिमाग के अंदर मुश्किल होती है, जब हम एफर्ट्स पुटअप करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे जो मुश्किलें होती हैं वो ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाती हैं, मुश्किलें खुद से ही खत्म हो जाती हैं। 250 नंबर वाले बच्चों को मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा। उसी के साथ में अब जिन बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 300 नंबर से ऊपर हैं उनको भी चीज़ कहना चाहूँगा, भाई तुम्हारे जो नंबर है ना वो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तुम्हें बस थोड़ी सी और पुश की ज़रूरत है जो कि हम तुम्हें लाकर देंगे। 20 तारीख से हम आगाज़ बैच शुरू कर रहे हैं, आगाज़ बैच के अंदर आओ, शुरुआत से पूरा का पूरा सिलेबस कराएंगे। डेफिनेटली अगर तुम्हारे 300 नंबर इस साल आ गए हैं ना तो अगले साल तुम्हारी सीट पक्की है, तुम सीट लेकर चले जाओगे। बस ये है कि तुम पैनिक हो रहे हो, तुम दिमाग के अंदर तुमने ये कीड़ा बिठा रखा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हम तो नीट एस्पिरेंट्स नहीं है, हम तो नीट वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे। तुम जाके देख लो, वहाँ पे जाके तुम्हारे माइंड की कंडीशनिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी भाई मुझे नीट नीट देना है, और उन बच्चों के साथ जब तुम रहोगे तो लास्ट में तुम एनालाइज करोगे तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं। लेकिन तुमने 2022 के अंदर चीज़ देख ली है कि सीबीटी, उसके साथ में इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये भी सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब हम एमएनएस एग्जाम की बात कर रहे होते हैं। 20 तारीख से हम आगाज़ बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड्स के अंदर, तुम आ सकते हो हमारे पास हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में और डेफिनेटली यहाँ पर आकर अपनी जो तैयारी उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे बहुत स्टेट से आ चुके हैं, बिहार से आ चुके हैं, जम्मू से आ चुके हैं, आपके उसके अलावा पंजाब से आ चुके हैं, हरियाणा से आ चुके हैं, उसके अलावा महाराष्ट्र से आ चुके हैं, उसके अलावा यूपी से आ चुके हैं, तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ से बच्चे जो है हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। और अगर आपको ये लगता है कि बहुत दूर हो जाएगा तो क्वालिटी के लिए आपको दूर जाना पड़ता है, और ये चीज़ सोचकर चलना कि यार अगर अभी हमें दूर जाना पड़ रहा है तो कल को तो यार अभी काफ़ी सारे बच्चों के साथ हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे जिनके भी सिलेक्शन हुई हैं,
तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी कि कोई बच्चा हरियाणा का था वो महाराष्ट्र जा रहा है, उसको पुणे का कॉलेज मिला हुआ है, तो दूर से तुम्हें घर से कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा। तुम ये डर लेकर दिमाग के अंदर जिंदगी भर बैठे रहोगे कि भाई यार पता नहीं मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, या फिर पेरेंट्स डर रहे होंगे तो सर मैम बच्चे को कल को भी दूर जाना ही है। अभी मैं सुबह इंटरव्यू कर रहा था हरियाणा की बच्ची का, तो वहाँ पर उसको महाराष्ट्र का कॉलेज मिला हुआ है, तो बहुत दूर जाना पड़ता है, कुछ को कोलकाता मिला है, तो दूर तुम्हें घर से जाना ही पड़ेगा। लेकिन यह है कि तुम्हें कहाँ पे अच्छी पढ़ाई जो है वो मिल रही है, तुम्हें उस तैयारी को करना है, तभी तुम घर से दूर जा पाओगे, नहीं तो घर से दूर नहीं जा पाओगे, आसपास ही किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ जाएगी। ठीक है, जितने भी बच्चे 300 से ऊपर है, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ तुम्हें प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अब 350-400 वालों जो कि अभी इस बार मेडिकल के लिए निकाल दिए गए, कुछ का हीमोग्लोबिन कम था, कुछ का वेट इश्यू था, तो उनको भी मैं एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगा कि फिर से तैयारी कर लो। क्यों तैयारी कर लो? क्योंकि कुछ तुम मेडिकल इशू की वजह से रहे थे। अब सबसे बड़ी चीज़ पता क्या हुई है, मेक पेपर तुम्हारा नेट का कब हुआ था और अभी कौन सा टाइम पे चल रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं छूट चुकी हैं। तुम्हें एग्जैक्टली एक सेम रिवीजन की आवश्यकता है जो कि हम तुम्हें यहाँ पर दे रहे होंगे। डेफिनेटली जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हुए हैं, तुम खुद को एक चांस तो अपने पेरेंट्स से बोलो कि मुझे फिर से एक चांस दे दीजिए, मैं डेफिनेटली 2023 के अंदर अपनी जो सिलेक्शन है उसको करवा लूँगी। तुम आओ हमारे पास, हम तुम्हें पढ़ाएंगे प्रॉपरली, हर चीज़ में गाइड करेंगे और सिलेक्शन लेके जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ पे, ये डिमोटिवेशन दिमाग से निकाल दो कि भाई मुझे 600-650 नंबर लेके आना है, तुम्हें वो नहीं लेकर आने हैं। तुम सोचो अगर तुम नीट वाले इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाओगे तो वहाँ पे बहुत तरह की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर रहती हैं। नीट वाले इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्या होगा कि वहाँ पे तुम्हें कम्पीट कराया जाएगा उन बच्चों के साथ जो कि एमएनएस एस्पिरेंट्स नहीं होंगे, वो नीट एस्पिरेंट्स होंगे। साथ साथ में जब संगति होती है तो हम अंत में अपना जो मेन गोल है, मेन जो हमारा लक्ष्य है, हम उसी को भूल जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस लक्ष्य को भूलें। आप कहीं भी सीबीटी की प्रिपरेशन में लाग करें, जीके इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सोच के बैठे हो कि लास्ट एक दो महीनों में कर लोगे, नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा महीने बचे भी नहीं है। दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म होने पे आना, 10 तारीख हो चुकी है, उसके बाद आपका जैन फेब मार्च अप्रैल और मई के महीने में पेपर हो जाएगा। तो आप क्या सोच लो कितना जो टाइम है वो बचा हुआ है। अभी भी तुम सोचते रहोगे तो बहुत दिक्कतों में फंस जाओगे। अगर अभी तुम्हारा रिसेंट में रिजल्ट आया और तुम्हारी सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हो पाई है, किसी और कॉलेज को ज्वाइन करने से अच्छा है 4 से 5 या 6 महीने फिर से प्रिपरेशन पे देके देख लो, हो सकता है कि अगले साल तुम सिलेक्शन लेकर जाओ। तो इन बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा कि फिर से तैयारी शुरू करो। 20 तारीख से हम आगाज बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हें प्रॉपर तैयारी करेंगे, बैठ के टीचर्स तुम्हें पढ़ाएंगे, हर डाउट को सॉल्व कर रहे होंगे, हर प्रॉब्लम तुम्हारी सुनी जाएगी। बस शर्त सिर्फ एक है, अपने दिमाग के अंदर ये चीज़ लेकर आना कि मुझे यहाँ से सिलेक्शन लेकर ही जाना है। तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर रहने वाली हैं। डेफिनेटली तैयारी करो जो इन क्राइटेरिया के अंदर बच्चे, और ये मत सोचना कि इससे कम वाले जो बच्चे हैं वो प्रिपरेशन बिल्कुल भी ना करें। अगर तुम्हारे अंदर सच में जज्बा है, तुम्हारे अंदर जोश है, तो हम तुम्हारी तैयारी कराएंगे, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। हमने एनालाइज़ किया कि जो लॉन्ग टर्म बैचेस के अंदर बच्चे आए थे आज से 2 से 3 महीने पहले, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। नीट में किसी के 95 मार्क्स थे, 150 मार्क्स थे, 200 मार्क्स थे, लेकिन जब हम आज उनके मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स देखते हैं तो दो दो पेपर हो जाते हैं संडेज को, तो और मंडेज को ऐसा हो जाता है कि दो दो पेपर हो जाते हैं, जैसे एक पेपर सुबह हो गया, एक पेपर शाम को ले लिया गया। तुम्हारी सिटिंग पे हम काम कराएंगे, तुम्हारी सिटिंग पे काम, कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे तुम्हारे दो दो पेपर हो जाएंगे एक ही दिन, एक तुम्हें ऑनलाइन दे देंगे, एक साथ में ऑफलाइन दे देंगे, हाँ भी सॉल्व करो। तो इस तरह के तुम्हें इंस्टीट्यूशंस बहुत कम मिलेंगे, हम तुम्हें प्रॉपर तैयारी करा रहे होंगे, टेंशन मत लो। बस अगर तुम इन क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करो, और तो अगर तुम्हारे नंबर 250 से कम भी हैं और 200 से भी ऊपर हैं, तब भी तुम्हें जो एफर्ट्स हैं वो पुट अप करने चाहिए, क्योंकि 2023 के अंदर तुम जो सिलेक्शन हैं वो लेकर जा सकते हो। क्योंकि तुम्हें नहीं लेकर आने यार 650 नंबर, 600 नंबर, 550 नंबर, इतने मार्क्स की तुम्हारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हें जो सीट्स हैं वो अच्छे मार्क्स के ऊपर मिल जाएंगी। तुम कोशिश करके चलो कि भाई मैं 450 से ऊपर लेकर आऊँगी, 450 से ऊपर तुम लेकर चल रही हो तो डेफिनेटली तुम लेकर आ जाओगे। हम तुम्हें यहाँ पे बता रहे होंगे, हमारे टीचर्स बता रहे होंगे कि तुम्हें तैयारी करनी किस तरह से है, हर चीज़ हम यहाँ पे, मतलब ये होता है ना कि हैंड होल्डिंग, वो हम तुम्हारी यहाँ पे करेंगे। हैंड होल्डिंग जब करेंगे तो डेफिनेटली तुम्हारी जो सिलेक्शन है वो 2023 के अंदर होगी। तो जल्दी से आ जाओ, 20 तारीख से हम आगाज बैच शुरू कर रहे हैं। नंबर्स यहाँ पे स्क्रॉल हो, नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपने पेरेंट्स को मना के जल्दी से जल्दी आ जाओ। अगली वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ हाउ टू रीच बी पर्सोनिफाइड डिफेंस अकेडमी इन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। तब तक स्टे ट्यून्ड, वीडियो को लाइक कर देना, बहुत सारे बच्चों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे इस डिमोटिवेशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं कि हम अब नीट एस्पिरेंट्स बन चुके हैं और हम एमएनएस एस्पिरेंट्स नहीं रहे हैं। अपनी तैयारी को इतनी जोर शोर के साथ करो, इतनी जोश के साथ करो कि सफलता आपको निश्चित रूप से मिल जाए।
तो मिलूंगा आप लोगों के साथ अगली वीडियो के अंदर, वहां पे मैं बात कर रहा हूँ कि बी पर्सोनिफाइड डिफेंस अकेडमी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश आप किस तरह से पहुंचेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।